ये गाय हमें मारने के लिए आ रही है। लोग आ गए हैं फालतू खाने के लिए। हम हर चीज की शुरुआत खाने से करते हैं। स्टोन पेपर सीजर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं गरबा एंड डांडिया नाइट। तो जो गरबा नाइट है वो स्टार्ट होने वाली है 7 बजे से। वैसे हम लोग पता 4 बजे से रेडी होके बैठे क्योंकि मम्मी ने इनविटेशन कार्ड जो था वो गलत पढ़ दिया था, तो हम लोग पहले ही रेडी हो चुके थे। पर फिर मम्मी को कॉल वॉल आए कि नहीं 4 बजे ही, 7 बजे है, तो हम लोग तब से तैयार ही बैठे हैं। बस हमने ड्रेस वगैरह बदल ली, मेकअप वेकअप सब वैसे ही था। और आप देख सकते हो यहाँ पे सामान कितना फैला हुआ है क्योंकि यहाँ पे पुताई का काम चल रहा है, तो हर चीज़ फैली हुई है। अभी एक दिन ये भी सेट करना है यार, पता नहीं कैसे आएगी इतनी हिम्मत। नाचने के लिए हिम्मत आ जाती है पर सफाई करने के लिए हिम्मत नहीं आ पाती बिल्कुल भी। और अभी सब लोग रेडी हो चुके हैं एंड मैंने गेट रेडी विद मी भी बनाया है। जिसने नहीं देखा है वो जाके जल्दी से देखो, उसमें पूरा आउटफिट दिख जाएगा। वैसे व्लॉग में भी दिख जाएगा पर फिर भी आप लोग जाके मेरा गेट रेडी विद मी भी देखो। किसको? तू मोटी हो गई? तू मोटी हो गई? और पतली हो गई तू? अरे तो पिन मार ले, पिन मार ले। तू आ रही नहीं आ रही है, बता सीधे सूट पहन के आ जा। तो मैंने यहाँ पे जैकेट भी रख ली है। मम्मी मना कर रही हैं कि जैकेट मत रखो, हम लोग सीधे गाड़ी से ही आ जाएंगे। पर यार अगर ठंडा लग गया तो मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहती क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो बीमार पड़ गई तो कैसे दूंगी एग्जाम वगैरह। तो इसलिए यार पैसे प्रिकॉशंस ले लेने चाहिए। मैंने खाली ठाकुर साहब देखा है, आप मिल सकते हैं ठाकुर साहब से। कौन है? व्लॉग चल रहा है मम्मी। अच्छा पोज मार रही है तो फोटो खींच के तेरे से पोज मार रही है। चले हम फिर व्लॉग ले लेते ना, तो अभी वो नहीं ले रही थी, ठंडे सो रहा पता है मुझे। मम्मी अब डिनर करके जाना है क्या हमें? जिस हिसाब से टाइमिंग है उस हिसाब से मुझे लग रहा है हमें डिनर करके जाना पड़ेगा। आ जाओ, आओ 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 आओ। मेरी बिल्लियां मुझे कभी भाव नहीं देती। सब तैयार होके बैठ गए हैं। मम्मी बोलो चीज। निकिता अरे सो रही है, मैं जा रही हूँ निकिता देखने के लिए, पर फाइनल दिखा ले आऊँ। आप इधर अंदर आओ, इधर अंदर आओ बिटू, अंदर आओ। मैंने कुछ खास नहीं पहना है, न्यू सिंपल सूट पहन के आ रही है। अभी जैकेट पहना थी ना खाली, ठंडा हो रहा करके। हाँ ठीक है ना, ठीक लग रहा है। हम हम लोग कार में बैठ चुके हैं, पापा चाबी लेके आ रहे हैं कार की, और दीदी का अपना दर्द करना स्टार्ट हो गया। हाँ दीदी को दर्द हो जाता है गर्दन में बहुत जल्दी। हम कहते हैं घर में रहो, दीदी को नहीं ले जाते हैं, और क्या हो सकता है 500 ऐसे रखा, यही रखी गाड़ी। सो गाइस मम्मी आपको दिखाएंगी कि कार में बैठे बैठे गर्व कैसे होता है, एक दो चेक करके दिखा दो यार। मुझे ना सीटों ने बहुत सिखाया, दिन में बहुत सिखाया गरबा, पर मैं करूंगी अपने ही जैसा वहां जाके। मैंने लिटरली मम्मी को 6-7 स्टेप सिखाए, उसमें से मम्मी ने एक भी नहीं सीखा अभी तक। मैं करूंगी नहीं, वो तुम लोग करोगे, बस वही वीडियो बना दूंगी। वो शादी के दिन हमने चौधरी सॉन्ग में कितना अच्छा डांस सिखाया था। हाँ हम लोगों ने मम्मी को पूरे सॉन्ग में सिखाया था। हाँ तो ऐसा हुआ था कि हम लोग सब खाना वाना छोड़ के गए कि हाँ मम्मी का डांस आ रहा है, वीडियोस बनानी है। मम्मी ने इतना गंदा डांस किया ना, बहुत ज्यादा गंदा। हमने मम्मी को तो मूछों को ताओ ऐसे करना सिखाया था, मम्मी ताओ ऐसे लाई। सो गाइस हम लोग पापा का यहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो हमने सोचा जब तक तो पापा आ रहे हैं, जब तक तो पापा आ रहे हैं तब तक तो हम लोग खेलते हैं एक मछली पानी में गई छपैक। सो लेट्स स्टार्ट, 1 2 3 गो। एक मछली पानी में गई छपैक, दो मछली मम्मी दो मछली पानी में गई, पानी एक लास्ट टाइम दे रहे हैं, फिर आप आउट हो जाएंगे। एक मछली पानी में गई छपैक, दो मछली पानी में गई छपैक, तीन मछली पानी में गई छपैक छपैक,
चार मछली पानी में गई छपाई पांच मछली पानी में गई छपाक गलत टू हाई बेटा तो लंबा था छपाई हमेशा मुझसे बोलती है सो ये दोनों हार चुके और मैं जीत चुकी हूँ सो गाइस इससे पहले वाला गेम मैं जीत चुकी हूँ और अब हम खेलने स्टोन पेपर सीजर रेडी हो गाइस स्टोन पेपर सीजर अभी तो जमाई रहे स्टोन पेपर सीजर ये कौन जीता और अब पता चलेगा कि असली विनर कौन है स्टोन पेपर सीजर टू टू स्टोन पेपर सीजर टू 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 स्टोन पेपर सीजर मम्मी आपके इधर जीरो ही आ रहे हैं यार लाइन में क्या बात स्टोन पेपर सीजर दो पॉइंट मिलेंगे मुझे मिल रहा है मुझे भी एक ही मिला स्टोन पेपर सीजर ड्रॉ हो गया स्टोन पेपर सीजर मैं एक लास्ट राउंड स्टोन पेपर सीजर कितने डीट हो यार सबके सब स्टोन पेपर लास्ट स्टोन पेपर नहीं क्या नहीं मैं जीत गई उस बात ये तो है नहीं तय है फालता खाने के लिए हम हर चीज की शुरुआत खाने से करते हैं मांगे फालता खाने के लिए फालूदा कुल्फी आइसक्रीम काजू शेक बादाम शेक फलूदा अच्छा ये गाय हमें मारने के लिए आ रही है मुझे लगता है ना नैनीताल की सारी गायें मारती हैं क्योंकि मुझे भी वो मारा था एक गाय ने दी यहाँ से आ गई तो मम्मी फालूदा लेके आई हैं पेमेंट करके नहीं आई हैं क्योंकि मम्मी ये सोच के आई हैं कि बच्चे पेमेंट करके आएंगे मम्मी आप कब से हो गई हो ऐसी बताओ मैं पहले से ऐसी सो गाइस मैं घर वापस आ चुकी हूँ तो वहाँ सीन को जैसा था कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि मैं अकेले पड़ गई थी वैसे तो मैं खुद के साथ अकेले वाइब कर लेती हूँ पर वहाँ पे धक्का मुक्की हुई थी और जैसे ही मैं मतलब एकदम फॉर्म में आई थी तो गाना रुक जा रहा था मतलब बीच में से जो एंकर थी वो रोक दे रही थी तो फिर मैं सोचा कि छोड़ो घर जाते हैं घर जाके खाना खाते हैं और सो जाते हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं आप बट डांस करने वाले कर भी रहे थे पर फिर मैं अकेली पड़ गई थी तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा बहुत मतलब वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा बहुत डांस कर लिया था
बाकी मैं उतने मजे में नाचने गई थी कि हाँ मुझे वो मजा आ रहा है, बट वो था वो कि बस हाँ वीडियो बनानी है, तो मैंने उसके थोड़ा बहुत डांस कर लिया था। सो अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।